अऊज़ुबिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, इससे पहले प्यारी सी अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया इसको जो मेरी चाहत है तो वो भी तुझको मिलेगा जो तेरी चाहत है, अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे जो तेरी चाहत है, फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। समझने के लिए इसमें बहुत सी बातें हैं और अल्लाह पाक की तरफ से हमारा ये जो तल्लुक कायम करती हैं बातें, कि आप जो भी अमल करते हैं, जो भी वजीफा करते हैं, खास अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि अपने मुफाद के लिए। मैंने बहुत से ऐसे अमल जो हैं मोहब्बत के, प्यार के, आपसी मोहब्बत के, रिश्तों की मोहब्बत के, मियां बीवी के आपसी मोहब्बत, दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मियां बीवी का, दुनिया में सबसे पहला मुकाम मियां बीवी का, दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता मियां बीवी का। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन वज़ाइफ़ों को आपके सामने लाऊं जो आपसी मोहब्बत को जोड़ते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक अल्लाह पाक से मोहब्बत, दरमियाने मोहब्बत, हमारा अपने नबी से तल्लक दरमियाने मोहब्बत, दिल में मोहब्बत ही ना हो, चाहत ही ना हो, अपने प्यारों से मिलने की तड़प तलब ही ना हो। आप खुद सोचें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम से हमें मिलने में कितनी चाहत है, कितनी तड़प है, ठीक है। तो ये वजीफे आप जो मैं आपको मोहब्बत के, प्यार के बताती हूँ, ये आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने प्यारों के लिए भी कर सकते हैं, तो इसका सिर्फ तल्लक ये होता है। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, उनका कहना है कि आप इतने मतलब के प्यार मोहब्बत के वजीफे, मेरा मकसद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांटना है, प्यार बांटना। मैंने कभी नहीं आपको किसी वजीफे में कहा कि आप इसमें गलत तरीका इख्तियार करें, कोई गुनाह करें, ठीक है। मैंने हमेशा आपको अच्छी बात बताई, अच्छा तरीका समझाया। आज भी एक बहुत प्यारे वजीफे के साथ जो प्यार का है, अपनों को पाने का है, अपनों से जितनी भी आपको मोहब्बत है उसको पाने का आज मैं वजीफा आपको बताऊंगी, बहुत प्यारा। यकीन माने ये वजीफा जो है जितनी भी मोहब्बत पैदा करने वाले हैं, चाहत जो रूठ गए हैं उनको मनाने के लिए और नाराज हैं उनको मनाने के लिए, अपने प्यारों को पाने के लिए ये वजीफा अगर आप करते हैं तो यकीन माने तमाम वजाइफ पर एक मतलब ये हैवी है, हावी है, मजबूत है, ठीक है। आपने करना क्या है, अंडा लेना है, अंडा बाजार से कोई सा भी अंडा ले लें, मखसूस अंडा, आप देसी अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर गांव में है तो बहुत ही नायाब है, आप देसी अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी अंडे के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है, तो अब पढ़ाई देसी अंडे का तल्लक इसलिए मैंने आपको कहा है कि उससे एक जान तैयार होती है, यानी कि अल्लाह पाक ने जब जिससे मतलब कि जैसे चूजे निकलना, मुर्गी के बच्चे निकलना, इस तरह की चीज, ठीक है, एक जान तैयार होती है, तो इससे इसका बहुत ज्यादा तल्लक होता है। अब आपने सूरह कौसर की तस्बीह एक, यानी 101 दाना आपने पढ़ना है तस्बीह एक, किसी भी वक्त एक दिन का ये वजीफा है, ठीक है, किसी भी दिन आप, और आपने कोशिश करें कि अगर सर्दियां हैं तो हीटर के पास या मतलब कि गर्माइश हो बिस्तर में, जब आप फुल मतलब कि आपका जिस्म हीट पकड़े, यानी जब आप गर्म हो, ठीक है, आपको मतलब कि सर्द नहीं, आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना तादाद जो मैंने वो भी आपको बता दी, दिन इसका पीर है और जुमा है, इतवार है, तो आपने ये वजीफा करना है। सूरह कौसर को पढ़ के आपने अपने दिल में, तसव्वुर में, जिसको आप जो नाराज है, रूठे हुए हैं, जिनके यहां तक कि ये जो बहनें जिनको शादियों का मसला है वो भी कर सकती हैं, ठीक है, जिनको मियां बीवी का मसला है वो अपने शोहर के लिए कर सकती हैं, भाई अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं, अपने मतलब कि इस वजीफे के बहुत ज्यादा फायदे। किसी ने अपने किसी बोस को मनाना हो, किसी ने कोई कारोबार का मसला हल करना हो, किसी ने कोई लड़ाई झगड़े का मसला हल करना हो, तो ये वजीफा भी आप कर सकते हो, आपसी मोहब्बत का ये वजीफा है। आपने क्या करना है, अब
अंडा जो है वो आपने अपने पास रख लेना है। अंडा आपने देखे ना किसी बर्तन में ना किसी प्लेट में, एक हाथ में अंडा और एक हाथ से आपने, अगर देखें सीधे हाथ से आपने तस्वीर पकड़ी है तो उल्टे हाथ से आप अंडे को पकड़ लें, ठीक है, पकड़ के बस आपने तस्वुर में ला के तो वो आपने पढ़ाई करनी। अब अंडे का क्या करना है, अंडा आपने किसी पाक जगह पर, किसी पाक मट्टी के अंदर, अंडे के ऊपर दम नहीं करना, बस आपने तस्वुर में उसमें रखना है। आपने अंडे को किसी गर्म, यानी जहां पर धूप पड़ती हो काफी सारी, वहां पर रखना है, नहीं तो अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर उसको गर्माइश मिलती रहे। आप यकीन माने जितनी आप उसको मतलब के गर्माइश देंगे उतना ही ज्यादा उसका असर जो है, जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको आप मना रहे हैं, अपनी मोहब्बत में उसको मुसखर करें, तो यकीन माने कि ये वजीफा आप करें। अच्छा, दूसरा एक और मैंने आपसे बात करनी थी कि अब अंडे को अगर आप ये भी नहीं कर सकते, घर में सो प्रॉब्लम हो जाती है कि आप किसी गरीब को दे दें, किसी गरीब को दे दें, वो अंडे को जो है नीयत ये रखें कि मैं अपने प्यारों को बुलाने के लिए ये अंडा जो है ना मैं किसी को दे रही हूँ, ठीक है, वो आप जो है आप किसी गरीब को दें, वो खा लें, ठीक है, वो खा ले, वो बेशक आप फ्राई करके खाए, उबाइल करके खाए, जिस तरह भी वो मतलब के खा सकते हैं। अगर ये भी नहीं आप कर सकते, आप किसी को दे नहीं सकते, इसको धूप में रख नहीं सकते, इसको किसी मिट्टी में दफन नहीं कर सकते, या फिर आप इसको धूप नहीं पहुंचा सकते, तो फिर इसका एक और हल है, आप इसको हल्का पानी मतलब के नीम गर्म पानी, ज्यादा गर्म ना कीजिएगा, ये ना हो कि अंडा मतलब जल्दी से पकना शुरू हो जाए, नहीं, आप इतना करें कि हल्का हल्का एक दो घंटा वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में पकता रहे, जितना वो उसके अंदर आप तोकल रब मजबूत रखें, अल्लाह को याद करें, बस अपने दिल पे ये रखें कि आपका ये अमल जरूर कामयाब होगा। तवक्कल कामिल और जो है हर अमल कामयाब होता है। इसमें आप जिस दिन ये अमल करें उस दिन थोड़ा परहेज कर लें, आप दूध ना इस्तेमाल करें, गोश्त ना इस्तेमाल करें, और कच्चा अदरक लहसुन इस्तेमाल ना करें, और ना ही आप जो है कोई ऐसी मतलब के जैसे गोश्त अंडा हो जाता है, दूध हो जाता है, कच्चा अदरक लहसुन प्याज हो जाता है, मछली, परहेज थोड़ा सा कर लें, एक दिन का परहेज है, एक दिन परहेज करें दूसरे दिन अमल कर लें, यकीन माने इतना ताकतवर अमल आपको कभी भी किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप एक दफा करके देखिएगा, एक दिन के अंदर अंदर आपको वहां से फर्क महसूस होगा। अमल को तरीके से करें, पढ़ाई का जो टाइम है वो तवक्कल कामिल रख के दिन के टाइम आप कर सकते हैं, जब सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी हो तब आप कर सकते हैं, तहज्जुद के टाइम कर सकते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज मतलब कि अपने अरूज पे आ रहा हो तब आप कर सकते हैं, तो जरूर ये कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी है, अपनी इस बहन को याद करें, मैं भी आपकी इंशाल्लाह भरपूर मदद करूंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो जरूर इस्तखारा रूहानी इलाज से मदद लें, अल्लाह ताला से अपना तल्लक कायम करें। अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है, जितना अमल मजबूत करेंगे उतनी कामयाबी होगी। जज़ाकअल्लाह खैरा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू जिन्नात असेब किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फर्ज निभाएं।